हरे कृष्णा, हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के स्कंद चार के अध्याय 27 पर। राजा पुरंजन अपनी पत्नी को मनाने में लगे थे। उनकी पत्नी मान गई। हम प्रसंग सुन रहे थे किस प्रकार से जीवात्मा की जो बुद्धि है, कभी कभी वो बुद्धि काम नहीं करती है, नाराज हो जाती है, फिर जीवात्मा बुद्धि को मनाती है और फिर उनका फिर कार्य चालू हो जाता है। और इस प्रकार कई वर्षों तक उन्होंने बहुत सारा भोग विलास किया, बहुत संसार में अपने संतानें उत्पन्न करी और उनकी इच्छाएं पूरी करी। इस भवाटवी में हमारे जो परिवार के लोग हैं, वही हमारी मति रूपी जो बुद्धि है और हम जो है उसका संसार में हम रिश्ते बनाते हैं, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, सास ससुर, और ससुर में भी कौन से चाचा ससुर, फूफा ससुर, मामा ससुर, और इतने सारे रिलेशन बना देते हैं, ये मामा वो मामा, कजिन ब्रदर, इतने उसमें फंस जाते हैं। और उन लोगों को हंसते हंसते गिफ्ट देते रहते हैं, धन दान बांटते रहते हैं, भूल जाते हैं इस भवाटवी में हमारा हम फंस गए हैं। और जंगल में जो चोर लुटेरे हैं वही हमारे परिजन बनकर आए हैं, हमसे लूट रहे हैं। अगर आज किसी को 5,000 रुपए मंदिर में दान देना हो, उसको घबराहट होती है, लेकिन वहीं उसके परिवार को कोई व्यक्ति उससे 5,000 रुपए ले जाए, वो हंसते हंसते उसकी मदद कर देता है, सोचता है मैं मदद कर रहा हूँ। इस भवाटवी में, इस जंगल में इनको, परिवार के स्वजनों को, इन लोगों को, परिजनों को जो आपको प्रेम भी नहीं करते हैं, उन लोगों को डाकू बताया गया। इस प्रकार से राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ भोग करता रहा और धीरे धीरे वह संसार में इतना लिप्त हो गया, उसको मालूम ही नहीं पड़ा कि काल क्रम में कब उसका जीवन घट रहा है। एक दिन इस अध्याय में वर्णन आया है, इस अध्याय की श्लोक संख्या 13 में लिखा है, चांडवेगा इति ख्यात गंधर्व अधिपति नृपः गंधर्वातस्य बलिंशटिः उत्तर शतहत्रयम्। वो सुंदर बात लिखी है, हे राजन, गंधर्व लोक में चाणवेग नाम का एक राजा था। नारद मुनि बता रहे हैं कि उस पुरंजन की नगरी पर एक राजा ने आक्रमण कर दिया जो गंधर्व लोक का राजा था, उसका नाम था चाणवेग। उसके अधीन 720 सैनिक थे, 360 अत्यंत शक्तिशाली गंधर्व सैनिक थे। अब ये कौन है चाणवेग? चाणवेग का मतलब है वेग, चंड रूप से जो वेग। राजा पुरंजन का जो देश था उसका नाम था पंचाल देश, और उस पंचाल देश पर आक्रमण कर दिया और सर्पों ने उसके साथ युद्ध किया। इनके जो 5 सर्प थे, 5 प्राणवायु चांडवेग रूपी, यानी कि मृत्यु का जब काल आता है तो उस समय जो आक्रमण होता है, पूरा जीवन ही आक्रमण चलता रहता है। हम बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, वेंटिलेटर जाते हैं, लोग सोचते हैं बस मृत्यु आ गई, फिर निकल कर आ जाते हैं। यानी कि प्राणवायु रूपी सर्प युद्ध करते रहते हैं चांडवेग रूपी आक्रमणकारी से, मृत्यु से। चांडवेग के कितने सैनिक बताए? 720। 360 दिन के सैनिक है, 360 रात के, यानी कि हमारे जो दिन है ये पूरा का पूरा 24 घंटे में अगर देखें तो घूमता रहता है। पूरा वर्ष निकल जाता है, 365 दिन इसके हैं और उन 365 दिनों में दिन है और रात है। अगर हम 1 घंटे के अंदर देखें तो 60 सेकंड है, 60 को 60 से गुणा करें तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चांडवेग के ऊपर दिन और रात मिलाकर के आक्रमण हो रहा था, दिन रात, यानी हम सब पर भी चांडवेग का आक्रमण हो रहा है इस जीवात्मा के ऊपर। तब फिर नारद जी ने कहा, और इस प्रकार काल की एक कन्या थी, उसका नाम था जरा, जरा यानी बुढ़ापा। काल कन्या जो है, काल की कन्या थी बुढ़ापा, वो आना चाहता, वो विवाह करना चाहता हमसे कि बूढ़े हो जाओ तुम, लेकिन कोई आदमी बूढ़ा होना नहीं चाहता, वो रिजेक्ट कर देता है, अभी तो मैं जवान हूं। तो राजा पुरंजन ने उस जरा को रिजेक्ट कर दिया, कहा मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता हूं। फिर वो काल कन्या घूमने लगी और पति को ढूंढने लगी। नारद जी ने कहा, वो मेरे पास भी आई थी, मैंने भी उसको एक बार रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मैं भगवान का भक्त हूं, भगवान के भक्त कभी वृद्ध नहीं होते, वो अंत काल तक भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो रिटायर नहीं होते हैं कभी भी, वो हमेशा अंत काल तक अपने जीवन के भगवान की सेवा करते हैं। मैंने भी रिजेक्ट किया था, उसने मुझे श्राप दिया कि तुम कुछ काल के बाद एक स्थान पर रह नहीं पाओगे, तुम्हें घूमना पड़ेगा। मैं घूमता रहता हूं नारद जी। बाद में वो काल कन्या घूमते घूमते चांडवेग के पास पहुंची और चांडवेग से कहा, मुझे एक पति चाहिए,
तो उस चांडवेग ने कहा, ठीक है तुम्हारे लिए एक पति है, भय भय। तो भय और बुढ़ापा ये दोनों आपस में विवाह कर ली। और चांडवेग ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर रखूंगा। और चांडवेग ने उसको अपनी बहन बना लिया, कहा तुम मेरी बहन बन जाओ, बहन बन जाओ। मेरा एक भाई है जिसका नाम है प्रज्वर, प्रज्वर के साथ तुम रहो। प्रज्वर क्या होता है, यानी कि जब मृत्यु काल आता है तो एक बुखार आता है, 102, 104, 105 इतना तेज टेम्परेचर होता है। तो चांडवेग रूपी काल ने काल कन्या का विवाह करवा दिया भय से, और अपनी बहन बना लिया। यानी कि जब चांडवेग आक्रमण करेगा तो दिन और रात 360 सेकंड, घंटे, दिन, महीने, साल कटेंगे टक टक टक, और फिर बुढ़ापा आएगा जरा, और जरा का पति भय, फिर भय आएगा, और फिर पूरी तरह से प्रजर आपके ऊपर बुखार और बीमारियां लाएगा, और इस प्रकार शरीर से निकल जाएगा आत्मा, खींच करके इस शरीर से बाहर निकाला जाएगा। तो इस प्रकार हमें इस शरीर का इस्तेमाल करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द बैड बार्गेन। हम जानते हैं कि हम इस संसार में गलत फंस गए हैं, लेकिन अब बैड बार्गेन तो है, लेकिन यूटिलाइजेशन क्या है इसका, सही यूटिलाइजेशन है, इससे हम भगवान का भजन करने में, शरीर को साधन करने में लगाएं, ताकि भगवान रूपी, कृष्ण रूपी जो इस संसार के अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनको हम सिद्ध कर सके, उनको उन साध्य की प्राप्ति कर सके साधन शरीर से, है ना। इस कलयुग रूपी जीवन में शरीर माध्यम कलो धर्म साधनम, धर्म का साधन करने के लिए कलयुग रूपी शरीर मिला, ना कि भोग करने के लिए। तो पुरंजन को ये सब ज्ञान नारद जी ने प्रदान किया। काल कन्या जो है जरा, और भाई है प्रज्वर जो 108 बुखार तक ले जाता है, अनेक प्रकार के रोग उनके सिपाही हैं। इस प्रकार से यवन राज जो थे उनके बारे में सब वर्णन किया। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार से हे राजन, राजा प्राचीन भय से, तत्पश्चात यवन राज साक्षात भय प्रज्वर काल कन्या तथा सैनिकों सहित सारे संसार में विचरने लगा, और तब से वो घूम रहा है, और वो देखता है किसका काल आ गया है, किसका समय आ गया है, और वो जिसका समय आ गया है उस पर ये सारी चीजें होती है, और धीरे धीरे उसकी आत्मा को उसके शरीर से, यानी उस राजा को, उस पूर्व में आनंद लेने वाले, उस शरीर में आनंद लेने वाले, रंजन करने वाले उस जीव को निकाल कर खींच कर ले जाते हैं पाश में बांध कर। कितना भोग करोगे, एक समय पर तो छोड़ना ही पड़ता है। गन्ने का जूस पहले लोग हाथ से निकालते थे दबा दबा करके, अब मशीन आ गई तो उसमें निकालते हैं, ऑटोमेटिक मशीनरी, एक हैंडल वाली थी, अब मोटर लग गई उसमें डालो, आप हाथ से निकालो, मोटर वाले से निकालो, या हाथ वाली मशीन से निकालो, तीनों में जूस तो निकलता ही है। हम कितनी भी मशीनरियों का डेवलपमेंट कर लें, लेकिन इंसान का जूस तो निकलता ही है इस संसार में आने के बाद। गन्ने का तो जूस निकलेगा ही निकलेगा, एक बार जन्म लिया है तो मृत्यु आएगी आएगी, जूस निकल जाएगा, शरीर छिलके की तरह जला दिया जाएगा, खत्म काम। तो इतना डेवलपमेंट साइंस और ये सब, ये इसका सदुपयोग करना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा।